हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट पिज़्ज़ा, वो भी बिना आटे के और बिना मैदे के। इसके लिए मैंने दो बड़े आलू को छील के कद्दूकस कर लिया है और इसे पानी में डाल दिया। अब हमें इस कद्दूकस किए हुए आलू को एक दूसरे बोल में निकाल लेना है। इसका पूरा पानी हमें निचोड़ लेना है। अब इस कद्दूकस किए हुए आटे में डालना है स्वादानुसार नमक और दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब लेते हैं पैन में ऑयल। एक बड़ा टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और इसके ऊपर ये कद्दूकस किया हुआ आलू को हमें अच्छे से फैला लेना है। इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मिक्स हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, और इसे ढक के अच्छे से हमें ये नीचे से गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। अब देखिए ये नीचे से अच्छे से गोल्डन हो गया है, इसे हम फ्लिप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हमें फैलाना है पिज़्ज़ा सॉस। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसी तरह से अभी हमें ये पिज़्ज़ा बनाना है। तो सबसे पहले मैंने डाला शिमला मिर्च, प्याज, मिक्स हर्ब्स, और अब फैला देते हैं चीज़ जो सबका फेवरेट है। आप कोई भी ब्रांड का चीज़ ले सकते हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं हर्ब्स और चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे वापस ढक के अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। दो चार मिनट में हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा रेडी है। सो फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा तो रेडी है। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।